हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या जो नियति है जिसका पर्दा खुलने वाला ही होता है, कि तभी वो अपने असली रूप में आती है। और फिर वो एक नाग के रूप में नागिन के रूप में आती है। इसको देखते काफी डर जाते हैं लोग और काफी गंभीर सिचुएशन रहती है, जिसको देख के डर जाते हैं। वो बाबा उस सांप का पीछा करने लगते हैं लेकिन तभी तभी हमें देखने को मिलता है कि जो बाबा है वो अपनी जादुई बीड़ी लगाने लगता है, जिससे नियति का चेहरा सबके सामने आता है और सब काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो नागिन के रूप में सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है तभी तभी वो उसके पीछे वो बाबा भी सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं। फिर वो ऊपर जाते ही एक कमरे में अपने असली रूप में आती है। वहाँ पे वो उस बाबा को अपना असली रूप यानी नियति का चेहरा दिखाती है। उसे गर्दन पकड़ के उठा लेती है उसके बाद वो उसे उस बाबा को नीचे गिरा देती है। फिर वो उसे काफी डराती है और फिर उस बाबा से कहती है अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो घर वालों से झूठ बोले कि उसने सांप पकड़ लिया है और वो उस कोठरी में है।
दोस्तों हम सर भाई आगे देखने को मिल सकता है कि जो आराम आराम पे जो नियति है क्या वो बच पाएगी या फिर ऐसे ही कोई नया पीस के भाग रहा थी आराम से जो नियति है वो भाग जाएगी या फिर तू धीरे हो रहा है धीरे चल रहा है 5 मिनट की बुलाई ऐसे ही क्या तो नियति है क्या वो बताएगी या फिर घर वालों को पता नहीं लगने देगी कि वही असली नागिन है और वही सबको मानना चाहती है। दोस्तों जाते कहीं थे उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि वो कैसे अपना पात्र लेती है और कैसे वो विक्रम को मार पाएगी या फिर राजगा विक्रम को बचा लेगी। तो हमें आगे देखने को मिल सकता है कि नियति चाहे तो सबको ये बता दे कि अब उसके घर से साफ का सुथरा जा चुका है और उनके घर पे अब कोई भी बुरा साया नहीं है और काफी मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि जो कली है वो नागिन के कपड़े पहन के आ चुकी है और सबको ऐसा दिखा रही है कि वही नागिन है। लेकिन सबको पता है कि कली जो है वो नाटक कर रही है और ऐसे ही सबका उल्लू बना रही है। हमें आगे देखने को मिलता है सब घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कली ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों काफी देर के बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो राधिका है वो दिव्यम के लिए सूप लेके जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे सुजाता रोक लेती है और कहती है कि दिव्यम को खाली है सबको धूप में नमक थोड़ा तेज पसंद है क्योंकि लिखी दोस्तों उसके बाद हम देखने को मिल सकता है कि कैसे नियति
जो है दिव्यांग के पास पहुंची गई थी, लेकिन तभी बीच में राधिका आती है और दिव्यांग को बचा लेती है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद बचा लेती है। उसके बाद दिव्यम और राधिका, तभी दिव्यम राधिका देखती है, दिव्यम जो है दिव्यम का हाथ से वो जो सूत्र है रक्षा सूत्र वो खुल के कहीं गिर जाता है। तभी राधिका को दिखता है कि वो आ रही है, तभी वो दिखता है कि कहीं खुल के गिर गया उसके हाथ से। राधिका उसे याद दिलाती है कि वो उसे कभी खोले ना, क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है। दिव्यम उससे बोलता है ठीक है अब से ये नहीं खुलेगा। तभी उसके पास नीति आती है, सांप बनकर उसे डसने वाली है। तभी उसे राधिका देख लेती है और उसे रोक लेती है।